गाइज, आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आसपास अक्सर एक बिल्ली को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है या प्राइम मिनिस्टर की पालतू बिल्ली भी नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर है। जी हाँ गाइज, इस असाधारण बिल्ली पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और तो और इस बिल्ली का अपना विकिपीडिया पेज भी है। दरअसल इस बिल्ली का नाम है लैरी द कैट, जिसे साल 2011 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने चूहों का खात्मा करने के लिए भर्ती किया था। लेकिन इस बिल्ली के अद्भुत कारनामों को देखते हुए ब्रिटिश कैबिनेट में इसे द चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस बना दिया गया, जहां इस बिल्ली का काम है गेस्ट का वेलकम करना, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और सोने और बैठने के लिए कौन सा फर्नीचर बेस्ट है ये बताना। मतलब इस बिल्ली में गजब का टैलेंट है। वैसे गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा था कि ऐसी भी कोई बिल्ली हो सकती है जिसे कैबिनेट में जगह मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में गाइस, किसने सोचा था कि जिस देश पर अंग्रेजों ने 150 साल तक राज किया हो, आज उसी देश का एक शख्स उन अंग्रेजों पर राज करने वाला है। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, जिनका जन्म भले ही ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ हो, लेकिन उनमें एक भारतीय का ही खून है, क्योंकि ऋषि सुनक के दादा और दादी पंजाब से थे। दरअसल ऋषि सुनक खुद को हिंदू मानते हैं और वो एक कृष्ण भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने आज से 7 साल पहले भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटिश सांसद के रूप में शपथ ली थी। यही नहीं, ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में रहते हुए कोविड के टाइम ब्रिटेन के लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम भी किया था, जिससे ब्रिटेन की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। और जब फाइनली ब्रिटेन में तख्ता पलट हुआ, तो ब्रिटेन के सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये सामने आ गए, और वो भी इतने अमीर कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के पास भी उनके जितनी संपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। वैसे गाइस, जो भी हो, लेकिन अब अंग्रेजों पर एक भारतीय ने लगाम कस ली है। इसका क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।